गरुड़ पुराण में मृत्युभोज, मृत्युभोज क्यों नहीं खाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस चैनल वचन धर्म में। दोस्तों, जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो कुछ दिन बाद मृत्युभोज किया जाता है, जिसमें से कुछ लोग मृत्युभोज खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते हैं। यहाँ तक कि मृत्युभोज को लेकर एक डर पैदा होता है कि मृत्युभोज खाना चाहिए कि नहीं। तो आइए जानते हैं मृत्युभोज क्यों नहीं खाना चाहिए। मृत्युभोज है एक धार्मिक विधि जिसमें एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके संगठन या परिवार में एक भोजन करते हैं। इस विधि का अर्थ है कि उस व्यक्ति को आत्मा की स्वच्छता के लिए प्रार्थना की जाती है और उसके परिवार या समुदाय को समय से बुराई से छुड़ावा मिलता है। हालांकि मृत्युभोज एक वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक नहीं है और अधिकांश स्थानों पर इसे अनुचित माना जाता है, इसलिए मृत्युभोज खाना नहीं चाहिए और इससे कई स्थानों पर प्रतिबंध है। क्या मृत्यु भोज खाना पाप है? मृत्यु भोज खाना पाप होने के लिए कोई स्पष्ट धारणा नहीं है और इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। साधारणतः पाप के मामले में हमारी संभवतः ही सामग्री होगी। मृत्यु भोज खाना एक ऐसा प्रथा है जिसमें लोग अपने मृत परिजनों के शव स्थान पर खाना परोसते हैं या उनकी शव से खाना लेते हैं। इस प्रथा को अधिकांश समाजों में पाप माना जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने मरे हुए परिजनों के शव से खाना लेना या उनकी शव पर खाना परोसना स्वीकार नहीं करता है। हालांकि यह प्रथा अधिकांश समाजों में मना हो चुकी है, लेकिन इसके अभी भी कुछ छोटे छोटे समूह हैं जो इसका पालन करते हैं। मृत्यु भोज क्यों नहीं खाना चाहिए? मृत्यु भोज को अनुचित माना जाता है क्योंकि इसमें शव या मृत व्यक्ति से संबंधित भोजन किए जाते हैं। इससे कई लोगों को अहंकार होता है और इसके कारण सामाजिक अस्वीकार होता है। हालांकि मृत्यु भोज एक धार्मिक विधि है जो कई स्थानों पर मान्यता प्राप्त है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर इससे प्रतिबंध है और इसे अनुचित माना जाता है। तेरहवीं का भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? तेरहवीं भोजन एक धार्मिक विधि है जो अधिकांश हिंदू धर्म में मानी जाती है। इस विधि का अर्थ है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार या संगठन में 13वीं भोजन कराते हैं। इस विधि में 13 दिन बाद उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद भोजन किया जाता है। हालांकि 13वीं भोजन किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाना अनुचित नहीं है और यह स्वतंत्रता से ही होना चाहिए। इसलिए अगर आपको 13वीं भोजन नहीं करना चाहिए तो आप इसे नहीं कर सकते हैं। 13वीं का भोजन कोई विशेष धार्मिक या सामाजिक विधि नहीं है जो अधिकांश स्थानों पर मानी जाती है। तो 13वीं का भोजन करना चाहिए नहीं है और इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। साधारणतः हम सभी कुछ भी खा सकते हैं जो हमारे शरीर के लिए सुंदर और स्वास्थ्यकर हो, जिससे हमारे शरीर में पोषण प्राप्त हो। हालांकि हमेशा स्वास्थ्यकर और स्वस्थ भोजनों का चयन करना चाहिए ताकि हमारे शरीर और मन दोनों को सुंदर रहने की सुविधा मिल सके। गरुड़ पुराण में मृत्यु भोज। गरुड़ पुराण एक हिंदू धर्म का अध्याय है जो मृत्यु, मरण और अंतर जातियों में जाने की प्रक्रिया से संबंधित है। इस अध्याय में गरुड़ महर्षि को मारण के बाद उनके संगठन या परिवार में एक भोजन करने की सूचना मिलती है। हालांकि मृत्यु भोज एक धार्मिक विधि है जो अधिकांश स्थानों पर अनुचित माना जाता है, इसलिए मृत्यु भोज खाना चाहिए नहीं और इससे कई स्थानों पर प्रतिबंध हैं। हमारे समाज में मरण एक स्वतंत्र रूप से भयानक और दुखद घटना है जो हमारे समाज में एक स्वाभाविक हिस्सा है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मृत्यु भोज क्यों नहीं खाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह जानकारियां आपको पसंद आई होगी।